सपनों की इस दुनिया में इंसानों का मेला है, कुछ खोना है कुछ पाना है, घुट घुट कर क्यों जीना है। केंद्र है जहाँ तुम जैसे लोगों को पढ़ाई सिखाई जाती है, जाते क्यों नहीं? अगर हम में से हर एक अनपढ़ को पढ़ाए तो कितना अच्छा। हम कितनी बार कह चुके हैं हम कुछ नहीं कर सकते, उनका बेटा है ले जाएंगे। मुझे नहीं पता भाभी, वो कहीं नहीं जा रहा, वो यही रहेगा आपके पास। अरे क्या काली मिर्च की जगह इलायची लिख दी? जी गलती होगी। तुम तो कह रहे थे मैं पढ़ा लिखा हूँ। जी नहीं, मैं सीख जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, चलो चलो चलो। हमें फिर से नौकरी से निकाल दिया, हम तंग आ गए हैं। हर बार उसी बात पे बेइज्जती कि हम अनपढ़ हैं। सब साफ तो हो गया, अब आया ना समझ में। कहा था ना चतुर भैया, उल्लू बनाया हम दोनों को, सारा चक्कर साफ हो गया है। अब असल में तुम उन्हें पढ़ लिख कर दिखाओ। आपका मकान, आपके मकान के पास मकान, के आपके मकान के पास मकान। अच्छा अच्छा, आपके मकान मकान तुम्हारा करे से मकान तुम्हारा थोड़ा ही रहेगा। ले रमेश, कान तेरा माँ मेरा। ना मकान हम रखेंगे, आपके जो जी में रख लो। आप दोनों को कोई काम नहीं है, यहाँ हमको डिस्टर्ब करने चले आए हैं। अरे ये क्या कह रहे हो भाई, हम तो ये देखने आए हैं कि तुम यहाँ रोज रोज करते क्या हो। देखा देखा, तुम्हारे चाचा लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। बताया बताया, हमारा मकान रमेश तेरा कान। ठीक है, अभी तो आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन एक दिन आके जब पूरा का पूरा किताब पढ़ के सुनाएंगे हम आपको। हाँ हम इंतजार करी, तुम पढ़ा हम सुनी। आज तो ठीक है, डिस्टर्ब कर रहे हो, लेकिन बहुत जल्दी हमारा टाइम आएगा, क्यों रेखा है? आज तो चांद बहुत देर बाद निकला है। किधर है? अबे लल्लू उधर देख, उधर देख। चांद तो है पर ये देखने वाला ही है बस। अरे सब होता है जब मंजूरे खुदा होता है। सब नहीं, वही होता है जो, और ये मंजूरे खुदा नहीं लग रहा मुझे। अरे सब हो जाए सब हो जाए, हमको थोड़ा सा आइडिया लगाने दे। तो अरे सोच सोच के तो हम भी थक गए। आई आई, बोलो बोलो जल्दी। अबे वो आई, वो जाना जा। लेकिन जाके क्या करे? अबे जाके चतुरलाल की वो बताना, पढ़ाई शुरू कर दी। तो चतुरलाल की पढ़ाई से उसको क्या? अबे अपनी पढ़ाई के बारे में बताना, तूने पढ़ाई शुरू कर दी। अच्छा जा। मैडम क्या है? कैसी है? ठीक हूँ, मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। अच्छी बात है जी। और कुछ? जी जी कुछ नहीं। क्या बड़े खुश नजर आए हो, इतनी लंबी बात करके आ रहे हो? बस यूं ही। अबे लल्लू, हम सोचे थे कम से कम आधा पौना घंटा तो कटेगा वहां पे, दो मिनट में बतिया यार वापस आ गए हमारा दिमाग खराब करने को।
खुश थी। खुश थी? अब यूँ समझो अगली मीटिंग में पट्टी। अरे वाह भैया जी, अरे ये पढ़ देंगे। आगमा का पूरा कपूर अगम कपूर बे बे बेर सारे सारे नहीं नहीं बेर सराय अगम कपूर बेर सराय हैं अगम अगम कपूर बेर सराय अरे अगम कपूर बेर सराय अरे अगम कपूर बेर सराय अगम कपूर बेर सराय मैंने देख लिया। क्या देखा? अरे उसका पता? किसका पता? वो भी अपनी आंखों से पढ़ा मैंने अपनी आंखों से। क्या? और क्या, तुम सबकी मदद के बिना पढ़ लिया मैंने। गलत या सही? अरे ये तो हम सोचते ही गलत या सही। क्या पढ़ा? अगम कपूर बेर सराय। अच्छा ये पढ़ा। अगम कपूर बेर सराय। अगम कपूर बेर सराय। अगम कपूर बेर सराय। तुम भी बोलो ना। अगम कपूर बेर सराय। अगम कपूर बेर सराय। अरे क्या हुआ? अगम कपूर बेर सराय। ये पागल हो गए क्या? अभी तक तो नहीं पर पूरे आसार है। लेकिन हुआ क्या है? आज इन्होंने पहली बार बिना किसी की मदद लिए नाम और पता दोनों पढ़ डाले। बगैर किसी की मदद के अपने आप? वाह भाई मुबारक हो। हाँ अब देखें असल में कैसे पढ़ते हो, जरा पढ़ के दिखाइए। अभी लो। सुनो, जरूरत है एक लड़का की 27 से 30 साल और लड़की 21-22 की। ओके ना जाइए। मैडम कल तो वो बिल्कुल बच्चों की तरह नाच रहे थे। हाँ भाई काफी बड़ा काम है, कितने महीनों की मेहनत के बाद तो वो यहाँ तक पहुँचे। और जब उन्होंने रमेश चाचा को वो शादी का इश्तहार पढ़ाया तब तो वो बहुत खुश थे। अच्छी बात है। देखो अब तुम्हारे बापू पढ़ाई के रास्ते पर आगे निकल चुके हैं, अब तुम आगे आगे भी उनका ऐसे ही साथ देना। मैडम हम तो उन्हें रोज बैठ कर पढ़ाते हैं, बल्कि वो खुद पढ़ते हैं। आजकल तो रमेश चाचा और चुरैसे चाचा भी आते हैं। क्यों, उनको भी पढ़ना है क्या? नहीं ऐसा तो वो कुछ नहीं बोले। जल्दी ही बोल देंगे। यही बात हम तुमसे कह रहे हैं, हमें तो साफ दिखाई दे रहा है कि मैडम जो हैं अब पिघल रही हैं। मौका लग रहा है तुम्हारा बस। कैसा मौका? हमें तो कोई मौका वौका नहीं नजर आ रहा। भाई तुम मानते नहीं हो भाई, हमारे देखने में और तुम्हारे देखने में बहुत फर्क है। बड़े हैं, समझते ज्यादा हैं तुमसे। बहुत ज्यादा ही समझते हैं, आपके समझने से ही गड़बड़ हो रहा है सब कुछ। तुम बात मेरी मानो, हमारी सोच बहुत बड़ी है और उस सोच को लगा के हमने एक आइडिया सोचा है। मानो तो आपके जब मैडम मिले उससे कहना कि तुमने पढ़ना लिखना उसकी खातिर शुरू किया है, बस देखो कैसे उसका दिल जो है मोम की तरह पिघल जाता है और खुद नदी के पानी की तरह हुलकारे मारती तुम्हारे पास आ जाएगी। या तो वो होगा या मोम बनकर सर पर पड़ेगी मेरे। अरे देखो तो तुमसे बात कैसे करती है वो, हंस हंस के बड़े मजे में। मैं तो कहता हूँ जो हंसी वो फंसी। मतलब चांस है, है? हाँ चांस भी है, वो आ भी रही है। जा जा जा। मैडम अब क्या है? आपसे बात करनी थी। क्या? वो हमने जो कल पढ़ाई के बारे में कहा था ना, तो वो हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपकी खातिर। मेरे लिए? हाँ, वो हमने सोचा कि आप इतना पढ़ा लिखे हैं और हम गवार, तो कुछ ही दिनों में हम भी पढ़ जाएंगे। तो फिर आप और मैं। क्या आप में? हाँ क्या, तुम क्या समझते हो, तुम दो चार शब्द पढ़ भी लिए तो तुम मेरे दोस्त बन जाओगे? अपनी हैसियत देखिए, दो नंबर के लफंगे लगते हो। आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश भी की तो सीधा थाने के अंदर करवा दूंगी। नहीं मैडम समझ नहीं रही। हाउ डेयर यू। अनन्या मैडम कह रही थी कि बापू की तरह आप दोनों भी पढ़ना शुरू कर दो। हम पहले ही कह चुके हैं हमें नहीं कोई पढ़ना वरना। तू पढ़ रही है बहुत है। चाची आप? बेटे अब हम क्या करेंगे पढ़कर, तू बता। हाँ देख दाल तड़का लगाने के लिए
और दही जमाने के लिए जिस पढ़ाई की जरूरत है वो हमें हमारी माँ ने सिखा दी थी। आप लोग इसके फायदे नहीं देख रहे। क्या फायदे? हमें कोई नौकरी करनी है क्या? हमें नहीं कोई जरूरत पढ़ने लिखने की। पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए थोड़ा ना की जाती है, खुद के लिए की जाती है। मतलब? मतलब खुद पढ़कर हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं, अपने अंदर विश्वास जगा सकते हैं। फिर किसी भी काम के लिए हमें किसी और व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो काम हम अपने आप कर सकते हैं। मेरी मानो तो आप दोनों अभी से पढ़ना शुरू कर दो। ए रमेश, बहुत जोर के मारे क्या? तुमने कुछ अनशन तो नहीं बक दिया उसको? लगता है तुम्हारा आइडिया फेल हो गया। बहुत सुनाया क्या? अरे तुमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, अब तो हम ही को कुछ आइडिया सुझाना पड़ेगा। पान का? पान? अरे आइए आइए, हम यही सोच रहे थे कि आप दोनों रह कहाँ गए। हमने एक फैसला किया है आज। का? कि हम भी ये पढ़ाई लिखाई का काम शुरू करेगा। कोई मुश्किल काम तो नहीं ना भाई? अरे आप शुरू तो कीजिए भैया, परंतु आज ही ऊँट पहाड़ के नीचे आया कैसे? ऊँट के दोस्त की गलती से। बता तो रमेश। अब क्या बताए, हम तो तंग आ गए, बेइज्जत होकर थक गए। हर बार एक ही गलती पर लात सहना पड़ता है। हम सोचे अब मौका है तो क्यों जाने दे हाथ से, हैं? लगता है इस पर लात कुछ ज्यादा ही जोर से पड़ी। हाँ हम देखे हैं बेचारा। ओए होए होए। अब रहने दीजिए, छेड़िए मत, ये सब आपका गलती है। आपका ही आइडिया था वहाँ जाएं हम। अरे हमारा क्या आइडिया था? अरे चतुर भाई बताओ ना इनको, हमने तो सिर्फ बल्ला दिए थे, जाते सीधा चौका मारने लगे। अब रहने दीजिए, मुंह मत खुलवाइए। अब इनको छोड़िए, आप बताइए अब हम पढ़ने कब आए हैं? अरे लो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। रोशनी चप्पल ले आएगी तो बेटा पढ़ेगा कब? बेटी ये बता कि अपने बाबू के जैसे हमको भी काका मामा पढ़ना सिखा देगी ना? चाचा शुरू तो कीजिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। आगे की बात यह है कि एक हाथ लगाना पड़े तो हमका कह दीजिएगा। क्यों, एक हाथ सहल हो गए ना? कुछ दारू वारू का चक्कर तो नहीं है ना आजकल? तो वो रोज कैसी बात कर रहा भाई? और कैसी बातें करें, इतने रोज हो गए तुम दिखता ही नहीं हो। पहले तो कहा कि चतुरलाल खराब है और अब उसके साथ ही चिपक गए हो। कोई जुआ दारू वारू? जुआ दारू? अरे तौबा तौबा, हवलदार साहब ये बात क्या कर रहे हैं आप? अरे समझ लो, अगर पकड़ लिया ना तो फिर अंदर कर दूंगा। सुना, धीरे धीरे आवाजें आ रही हैं। मैंने कहा था ना कुछ तो है। आपने कहाँ कहा था? हमने कहा। किसने कहा था? जी जी आपने। हाँ, साले मिलकर ऐश कर रहे हैं और हमें बताया तक नहीं। पकड़ लिया पकड़ लिया। जुआ खेलते हो? जुआ? ये किसने कहा? इसने। सर हमने, बाहर आपने तो कहा था। किसने कहा था? जी 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 हमने। ये जुआ है क्या बंदा है जी? मैडम जब माँ और मैं वहाँ पहुँचे तो सब लोग कमल चाचा पर हंस रहे थे। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, हवलदार मैं ने कहा अरे भाई तुम पढ़ रहे हो इसे भी पढ़ा ली। फिर क्या होना था, फिर कमल चाचा ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा। फिर हवलदार मियां ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाई तो उन्होंने कहा, पता क्या कहा, ठीक है मैं पढ़ूंगा। उनके साथ उनके एक और दोस्त भी आएंगे। हाँ? मतलब तुम पांच लोगों को पढ़ा दी? अकेले नहीं, थोड़ी बहुत मदद मेरी राजेश और प्रकाश भी करा देंगे। मगर वो पांच पांच लोगों को कैसे संभालेंगे? अरे सब हो जाएगा, मैं नहीं पढ़ाती इतने सारे लोगों को। जब आदत पड़ जाएगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। और देखना जब इतने सारे लोग पढ़ लिख जाएंगे तब तुम्हें कितना अच्छा लगेगा। रेखा अगर हमारे देश का हर एक व्यक्ति एक व्यक्ति को भी पढ़ाए ना तो सब लोग पढ़ लिख जाएंगे। और तुम तो पांच लोगों की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले रही हो, शाबाश। माँ
लेते आसान करते तेरे को भी समझा दो क्या मुसीबत है तो मेरे को समझाने दे अरे नहीं तुम चुप रहो चुप रहो हम निपट लेंगे इनसे क्या कह रहे थे तुम अरे क्या करते रहते हो हम बात करते हैं आपसे क्या मतलब है आप क्या बात करेंगे अरे नहीं 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 बाहर रहने दो हम निपट लेंगे हां क्या क्या बात तुम क्या अरे क्या एक गाना सुनाए झमका गिरा रे जमेली के बाजार में झमका गिरा रे जमेली के बाजार में झमका गिरा झमका गिरा झमका गिरा हाय 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 अब क्या करेंगे दीदी ये तो पूरा मोहल्ला ही आ गया मुझे लगता है सबको पढ़ाई का बुखार चढ़ गया है उनको तो पढ़ाई की बीमारी चढ़ गई अब हम क्या करें अगर ऐसे चलता रहा तो 3-4 दिन में हम तीनों बीमार पड़ जाएंगे कोई तो हल होगा मैंने सोचा था सिर्फ चतु चाचा आएंगे पढ़ने के लिए इस सब एकाएक आए जा रहे मना भी नहीं कर सकते किसको करेंगे चौरसे चाचा या रमेश चाचा किसको अब तो कुछ हल निकालना ही पड़ेगा क्यों ना हम मैम के पास जाए हाँ अनन्या मैम के पास चलते हैं साथ वही कोई हल निकालेंगी वो तो कहती रहती है अगर मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना फिर तो बता देना चाहिए हाँ नहीं बताएंगे तो हम फंस जाएंगे फिर हमको घर से भागना पड़ेगा और वैसे भी मुझसे नहीं होता कभी नहीं सोचा था कि पढ़ना ही नहीं पढ़ाना भी बहुत मुश्किल होता है हम क्या सोचे हैं चौरसिया भैया कि अब हम लोगों की संख्या काफी हो गई है पर यहीं बैठ के पढ़ते रहना अच्छा नहीं लगता हम भी यही सोचे रहे कहीं से कुछ पैसा मिल जाए तो अपना ही ना स्कूल खोल अपना स्कूल और क्या ये कहीं से काला बोर्ड लाएंगे हाँ? और कहीं से किताबें भी खरीद लाएंगे पर इतना पैसा आएगा कहाँ से हम में से तो किसी के पास इतना पैसा है नहीं हाँ नहीं वो ठीक है मैं क्या सोच रहा था कि हम लोग घर घर जाकर चंदा इकट्ठा करेंगे देखो भाई कोई भी बड़ा काम करने से पहले ऐसे ही छोटी सी शुरुआत होती है हैं जैसे हाँ। पहले ये मुश्किल था ये भी आसान हो जाएगा हाँ जैसे हमने इस मुश्किल को ठीक कर लिया वैसे कोई भी मुश्किल ठीक कर सकते हैं हाँ। क्या ख्याल है हैं नहीं अच्छा ख्याल है ना हैं तो शुरू करते हैं चंदा मांगना सिगरेट का पैकेट दे कौन सा मैं चंदा तो डालो पढ़ाई के लिए चंदा सर अब भी डालिए चंदा पढ़ाई के लिए चंदा नमस्ते सिद्धार्थ जी नमस्ते तो आपसे थोड़ी सी मदद चाहिए किस वास्ते वो क्या है कि हम लोग एक क्लास खोल रहे हैं तो आप जैसे लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं अच्छा साडे वर्गे बेवकूफ लगदे ने तेनू है जी और तेरे वर्गे बहुत देखे ने क्लास दा बहाना करके शराब ले पैसे मांगदे हो नहीं नहीं सिद्धार्थ जी हम सच में इस क्लास खोल रहे हैं देखिए ना अच्छा उठे की करोगे जुआ सिखाओगे सिद्धार्थ जी आपको पैसे नहीं देने तो मत दीजिए इस तरह बदतमीजी से तो बात मत कीजिए अच्छा मुझे बदतमीजी सिखा रहे हो एक पढ़ गया ना तो अभी सारी क्लास बाहर आ जाएगी सिद्धार्थ जी आप जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं अभी आगे बढ़ा का हूं बताऊं तुझे अभी मैं तुमसे किसने कहा कि क्लासरूम की जरूरत है मैडम हर शाम को हमारे कमरे में बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं संभाले नहीं जाते तो हमने सोचा कि जब भी कोई ऐसा काम शुरू करता है तो ऐसे ही शुरू करता हर काम की शुरुआत एक जैसी नहीं होती भारत सरकार और ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो साक्षरता में लोगों की मदद करती हैं मैं ऐसी एक संस्था की सदस्य हूं मैं हर शाम तुम्हें पढ़ा सकती हूं इस तरह से बच्चों पर से बोझ भी कम हो जाएगा हाँ, ये ठीक रहे। वो बता रहे थे मुझे मेरी मदद नहीं मांगी थी मैं तुम्हें बुलाने वाली थी लेकिन तुम तो पहले ही जाकर सॉरी मैडम काका मामा नमक नाम मकान मामा का मकान नाना का मकान काका का मकान आपसे नहीं पूछा ना आप बताइए ये क्या है काका चतुर्लाल जी
आप उस कोने में बैठेंगे आज से। क्यों मैडम, मैंने तो ठीक ही पढ़ा, मन काम काम। नहीं, आपने ठीक पढ़ा है, पर आप इन सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना। हाँ। आपको इन सबसे ज्यादा आ गया है। हाँ। अब आपकी पढ़ाई अलग है। हाँ? आप उधर बैठिए। अच्छा अच्छा, इन सबसे अलग है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ पढ़िए। मन 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 कम कम का आती मात्रा और मा क्या बना का। शाबाश। फिर का आती मात्रा का, और दोबारा से एक और का मिलाया तो क्या बन गया का। अगला पढ़िए। मा आती मात्रा क्या बन गया आमा। चतुर्लाल जी अरे मैडम आज बहुत लेट हो गई। अगर आएगी तो पक्का ना। हाँ कहे थे थोड़ी सी लेट होगी। चलो आ जाएगी। भैया हमको एक बात कहनी थी। कहा भाई? कल हमारी बहन कहेंगे हम भी क्लास में जाएंगे, तो हमने कहा कि आप सबसे पूछ के बताएंगे। इससे पूछने की क्या बात है भाई? तो ठीक है कल ले आएंगे। हम कह रहे हैं लल्लू इसपे पूछने की कोनो बात नहीं है, उसको कहो घर में बैठे रोटी वोटी पकावे, क्लास में आएंगे। और क्या, इतने सब मर्दों के बीच में क्या करेगी वो? और औरत ज्यादा पढ़ के करेगी भी क्या? और ये हम मर्दों की क्लास है, वो क्या कहते हैं एक तरह का क्लब। हाँ क्लब है, क्लब है, तो यहाँ औरतों का क्या काम भाई? नहीं मैडम नहीं हम बोले बोले बोलिए ना। अरे वही तो आप सोचे नहीं। हाँ एक औरत। बात तो ठीक है भाई, फिर तो मैं भी औरत हूँ, मेरा भी है ना, अच्छा नहीं लगता है? मैं चलती हूँ। अरे मैडम तो आप कहाँ जा रही है? आप चली जाएगी तो हमें कौन पढ़ाए? आप अपने लिए कोई आदमी ढूंढ लीजिए। नहीं नहीं मैडम, हम तो आप ही से पढ़ेंगे, हम तो आपका ख्याल कर रहे थे, अब यहाँ कौन औरत आकर पढ़ेगी? भैया आप मेरी फिक्र मत कीजिए, और औरतों की जो क्लास है वो अलग टाइम पर होगी। दिन में आप लोग काम पर चले जाते हैं ना, उस वक्त औरतों के पास काफी टाइम होता है, और मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, मेरी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अरे नहीं मैडम, वो पढ़ना नहीं चाहती है, काहे आप एक औरत के पीछे अलग अलग क्लास करेंगे? नहीं, अगर वो नहीं पढ़ना चाहती है तो आप लोगों का फर्ज है कि आप उन्हें बताएं कि शिक्षित होने के कितने फायदे हैं। कल्लोबार, वो हमारी बात का सुनती है। और क्या, हम तो सिर्फ उनके हाँ में हाँ ला के हिम्मत रखते हैं बस। तो ठीक है, कल से ऐसा करते हैं कि मैं आपकी क्लास से पहले यहाँ औरतों के लिए इंतजार करूंगी, और अगर औरतें क्लास में नहीं आती हैं तो मैं चली जाऊंगी। हाँ ये बात ठीक है, आप इंतजार मत कीजिएगा, आप चले जाइएगा बस। हम फिर अपने टाइम पर आकर अपनी क्लास में आपसे मिल लेंगे। नहीं, फिर हम मिलेंगे नहीं, अगर औरतों की क्लास नहीं हुई तो मैं क्लास नहीं लूंगी। अरे मैडम आप नहीं जा सकती। नहीं जा सकती, मैं जा रही हूँ, अगर कल से औरतों की क्लास नहीं हुई तो। ये क्या, चलिए अभी अपनी किताबें खोलिए। औरतें क्या सोचा भाई, आप कुछ समझाते ही नहीं है क्या? ना बाबा ना, हमको वैसे बहुत काम रहता है। पर इसमें बुरा क्या है? बुरा कुछ भी नहीं है, पर हमको नहीं जाना। अच्छा ठीक है, आज चलो, अगर पसंद ना आए तो दोबारा मत आना, आज तो चलो। ना बाबा ना, आप पढ़िए ना, आप पढ़ रहे हैं, हम दोनों के लिए इतना ही काफी है। नहीं, तुम समझ नहीं रही हो, देखो अगर तुम नहीं चलोगी तो अनिन्ना मैडम हमें भी नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, आज चलो। ना 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 ना, क्यों? ये कोई उम्र हुई मेरी पढ़ने की? ना ना, हम नहीं बैठेंगे इतने आदमी लोग के बीच। अरे तुम्हारा क्लास अलग लगा है। ना भाई, अब हमें तंग ना करो, हम नहीं जाएंगे। एक बार चलो बस। ना, मेरी खातिर ना। किसी भी इंसान के लिए कितने मायने रखती है कोई भी छोटी सी जीत, और इस जीत का हिस्सा सब बनना चाहते हैं, एक एक करके सब अपनी खुद की जीत हासिल करना चाहते हैं। इस तरह ही तो हर सफल आंदोलन की शुरुआत होती है।
और शुरुआत के बाद एक आंदोलन को बढ़ाना पड़ता है, उसे सफल बनाना पड़ता है, एक के लिए नहीं सबके लिए। इसीलिए कभी कभी धक्के भी खाने पड़ते हैं। साक्षरता हर एक का हक है, बड़े बूढ़े बच्चे औरत और आदमी सबका हक है। अपने हक के बारे में सीखे बिना कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। साक्षरता आपको अपने हक की तरफ मोड़ सकता है और ये बात पक्की है कि एक बार आप इस रास्ते पर चल पड़े आप वापस मुड़कर नहीं देखेंगे। आखिर छोटी छोटी बातें ही हमको इस काबिल बनाती हैं कि हम बड़ी बातों का सामना कर सकें। माना कि पढ़ना लिखना ही काफी नहीं होता एक सफल जिंदगी के लिए, लेकिन इसके फायदे बहुत हो सकते हैं। सपनों की इस दुनिया में इंसानों का मेला है, कुछ खोना है कुछ पाना है, घुट घुट कर क्यों जीना है। हम सब पढ़ेंगे।